और अब आपको दिखाते हैं स्पेशल स्टोरी। यूपी के गोंडा से एक सरकारी डॉक्टर की लापरवाही की बड़ी खबर सामने आई है। एडिशनल सीएमओ के पद पर तैनात एक डॉक्टर ने एक मासूम बच्ची की जिंदगी से सीधे सीधे खिलवाड़ किया है। करीब दो महीने पहले गोंडा में रहने वाली श्रुति के मुंह में एक छाला निकल आया था। इलाज के लिए घरवाले श्रुति को बलरामपुर के एक सरकारी अस्पताल में लेकर गए। सरकारी डॉक्टर बीएल रस्तोगी ने बच्ची को देखा और उसके मुंह के छाले को बिना सुन्न किए काट दिया। साथ ही ये सलाह दी कि इस घाव को भरने के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड और डिटॉल को मिलाकर हर दो घंटे में वो कुल्ला करें। लेकिन जब श्रुति ने ऐसा किया तो घाव और ज्यादा बढ़ गया। और हैरानी की बात तो यह है कि श्रुति ने ये बात डॉक्टर को बताई लेकिन उसे कुछ करने की बजाय यही लगातार दवा चलाने की सलाह दी। इन्फेक्शन धीरे धीरे आंखों की तरफ बढ़ गया और श्रुति की आंख बाहर निकल आई है। आखिरकार बच्ची को दिल्ली में एडमिट किया गया है। उस मासूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्ची फिलहाल ठीक बताई जा रही है लेकिन उसे खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। वो सिर्फ लिक्विड डाइट के अलावा और कुछ इस वक्त नहीं ले सकती है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का, जहां से मासूम श्रुति हमारे साथ अपने मां बाप के साथ मौजूद हैं। अब श्रुति की मां से हम सबसे पहले जान लेते हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी श्रुति को, और उसके बाद इलाज क्या कुछ दिया गया डॉक्टरों को, और आप लोगों ने क्या इस बात की शिकायत कहीं पर की है? हेलो मैम, हमारे बेटे के मुंह में छाले निकले थे। छाले से बहुत दर्द था, उसे खाना नहीं खा पा रही थी, मतलब खाना नहीं खा पा रही थी, खाना कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो हम अपने वहाँ डॉक्टर रस्तोगी के पास गए, बीएल रस्तोगी के जी। तो उन्होंने छाले को एक चोट बताते हुए हाइड्रोजन से कुल्ला करा दिया। हाइड्रोजन से कुल्ला कराने के बाद उसने सफाई किया, सफाई करके कैंची से काट दिया। कैंची से काटने के बाद फेवर डिटॉल से कुल्ला करा दिया। कैंची से काट दिया, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, मुंह में जो छाला निकला हुआ था उसे क्या एक डॉक्टर ने कैंची से काटा? हाँ, हाइड्रोजन पराक्साइड से पहले कुल्ला कराया। उसने बोला छाला नहीं है, ये चोट लगी है तुम्हारे बच्चे के मुंह में। हमने बार बार, हम और बच्ची बार बार बताते रहे कि नहीं छाला ही है। उसने कहा नहीं छाला नहीं है, ये चोट है। हाइड्रोजन से कुल्ला कराने के बाद उसने कैंची से काट दिया और इसके बाद डिटॉल से कुल्ला करा दिया और इंजेक्शन वगैरह दवाई वाई दे के हमें भेज दिया। फिर उसके बाद स्वेलिंग आने लगी, उसके मुंह में स्वेलिंग आ गई बिल्कुल, और धीरे धीरे लेके गए डॉक्टर के पास जी, और धीरे धीरे आंख तक इस मासूम की परेशानी बढ़ती हुई चली गई। श्रुति, अगर आप हमें बता पाए आपको किस तरह की दिक्कत थी और डॉक्टर ने आपके साथ क्या कुछ किया, और साथ ही उनके पिता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बारे में कोई शिकायत की गई। लेकिन श्रुति, आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या परेशानी थी आपको बेटा? मेरे मुंह में छाले पड़े थे, डॉक्टर को दिखाया तो उसने हाइड्रोजन से कुल्ला करा के कैंची से काट दिया जी। उसका नाक फिर डिटॉल से भी कुल्ला कराया था। आपको बहुत ज्यादा परेशानी थी, आपको छाले की वजह से मुंह में प्रॉब्लम थी और उसके बाद आंखों में आपका जो इन्फेक्शन हम देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वो बेहद हैरान करने वाला है। क्या अभी भी आपको वो दर्द महसूस होता है? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। अभी नाक के पास इन्फेक्शन है, जो अभी ऑपरेशन होगा 10 तारीख का है, डेट मिली है 10 तारीख की, तो अभी फिर लेके जाना है इसको। इन्फेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि मासूम जल्दी से ठीक हो जाए और आपके सलाह के लिए एक डॉक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, डेंटल सर्जन डॉक्टर राकेश हैं हमारे साथ। डॉक्टर राकेश, इस खबर को आपने सुना, एक मासूम के मुंह में छाले थे लेकिन दवा ऐसी दी गई कि उसकी आंख तक बाहर आ जाती है। यहां पर हैरान करने वाला ये पूरा का पूरा मामला, वो भी एक सरकारी अस्पताल का। बहरहाल इस परिवार को आप सजेस्ट क्या, सलाह क्या देंगे? सलाह इनको ये देना है कि कभी भी आपको मुंह में, दांत में कोई भी परेशानी हो जी, तो आप एक प्रॉपर बीडीएस या एमडीएस, एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उसकी डिग्री है कि नहीं है? डिग्री है तो क्या स्पेशलाइजेशन है, ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो अभी तक समझ में आया इनका सुन करके हमको जी, इनको हो सकता है बच्ची को कभी मे भी की चोट लगा हो उसको, तो उसमें थोड़ा सा फर्ज बनता है, तो दाने जैसे निकल आता है। आपसे खाते हैं जिसको,
ऑफिस का परमिशन हुआ तो उन्होंने उसको कट करने पे, जिन्होंने भी कट किया, डॉक्टर थे जो भी थे, उन्होंने कट किया उसको, उससे मैं भी इन्फेक्शन जो है फैलता गया जी। फिर उन्होंने कुल्ले कराने के साथ साथ उन्होंने जो है उसको इरिगेशन किया होगा, फोर्सफुली उसको रेडियल से अंदर डाला होगा, उसमें स्पेस इन्फेक्शन हो गया होगा। जो आसपास पार्टिकल का स्पेस होता है उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है, वो इन्फेक्शन फैलते ऊपर उसकी जो आगे के दांत होते हैं इंसाइजर से लेके। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात तो ये है ना, एक सरकारी अस्पताल में ये परिवार पहुंचता है इस उम्मीद के साथ, और मुंह में अगर छाले हर किसी को होते हैं, लेकिन उसका ये इलाज कि ये इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच जाए और आंखी बाहर निकला, ये तो बेहद हैरान करने वाला मामला है। और यहाँ पर अब श्रुति के पिता से हम जानना चाहेंगे, क्या इसके खिलाफ जिस डॉक्टर ने आपकी बेटी का इलाज किया है उसके खिलाफ आप लोगों ने कहीं मामला भी दर्ज कराया है? जी हाँ सर, हमने गोंडा में उसके खिलाफ जांच हुई है पहले जी, सीएमओ ने जांच की है, तो उसके लिए उसको दोषी पाया डॉक्टर को जी, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है 20 फरवरी को। कोई कार्रवाई भी की गई है डॉक्टर के खिलाफ? जी हाँ, एफआईआर हो गया उसके खिलाफ। अभी तक सिर्फ एफआईआर, 20 फरवरी का एफआईआर हुआ है, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, और यही हैरान करने वाला मामला है, अगर कार्रवाई कर ली जाती तो शायद हो सकता है कम से कम इस बात की आशंका मन में नहीं रहती कि कोई दूसरी श्रुति इस तरह के हादसे का शिकार होगी। जरा सोचिए डॉक्टर की लापरवाही का, इतना भयानक मामला कि मुंह में छाला होता है और उसके बाद डॉक्टर जो दवाई देता है उसका इन्फेक्शन सीधे सीधे आंख में, और एक मासूम, उस बच्चे को टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, उस मासूम की आंखें बाहर आ जाती हैं। हालांकि दिल्ली उसे लाया गया जहां पर उसका ट्रीटमेंट चला और इसके बाद फिलहाल उसकी स्थिति ठीक बनी हुई है, लेकिन इन्फेक्शन अभी भी है और कुछ और महीनों तक उसका इलाज चलेगा जिसके बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया श्रुति आपका भी और आपके माता पिता का भी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम आप अगर अपने बच्चों को कहीं डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो सोच विचार कर ही आप सरकारी अस्पतालों का रुख करें और वहां पर पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही आप अपने मासूमों का इलाज कराएं ताकि कम से कम दूसरी श्रुति का ये हाल देखने को न मिले।